17 सूत्रीय मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने दिया ज्ञापन। आपको बताते चले कि जन अधिकार पार्टी द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित नई शिक्षा नीति, श्रम नीति की खामियों एवं प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने, क्रीमिलियर व्यवस्था लागू करने के विरोध में ज्ञापन दिया गया। क्या नाम है आपको? जी देवेंद्र साक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जन अधिकार पार्टी। ज्ञापन दे रहे हैं, ये ज्ञापन हमारा जन अधिकार पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश में हर सोमवार को, आज 80वां सोमवार है, ज्ञापन दिया जाता है महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय के को संबोधित ज्ञापन दिया जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ ये ज्ञापन है। तो आज सोमवार है, आज जिलाधिकारी महोदय को हम सब लोग, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं दयाशंकर साक्य जी, बरेली जिला के जिलाध्यक्ष हैं, ये जिला महासचिव हैं ओम प्रकाश मौर्य जी, तो हम लोग आज ज्ञापन देने आए। ज्ञापन में क्या मांगा? ज्ञापन में मांगे हैं कि जो खाद बीज दवाओं के पैसे लगातार बढ़े हैं वो कम होने चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, और जो कृषि के कानून अभी सरकार ने 3 वापस लिए हैं उनके लिए भी हम मांगे करते थे, वो वापस लिए हैं, लेकिन MSP का अभी कानून नहीं बनाया है, उसकी अभी मांग है कि MSP का गारंटी का कानून हो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अथवा प्राइवेट में एक पैसा भी कम, जो रेट सरकार ने निर्धारित किया है उससे एक पैसा भी कम में कोई खरीदारी करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इस प्रकार का हो, ये हमारी मांगे हैं। और भी बहुत सारी मांगे हैं, जो हमारी पढ़ाई लिखाई कई तरीके की है, हर प्रकार के बोर्ड में दूसरे तरीके का सिलेबस है, वो पाठ्यक्रम एक जैसा होगा तो कंपटीशन में बच्चे बैठेंगे तो एक समान वो लोग पास हो पाएंगे, आधे बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं सिलेबस एक समान ना होने के कारण, तो इस प्रकार की हमारी बहुत सारी मांगे हैं।